थाना बलदेव के ग्राम हसनपुर खोड़ा में पति के घर वापस न लौटने से गुस्साई एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। हम आपको बता दें कि फिरोजाबाद के गांव बसई महमदपुर की रहने वाली सबगी बहन सजनी और रजनी की शादी ग्राम हसनपुर गोंटा के रहने वाले सगे भाई विशाल और विकास के साथ 3 साल पहले हुई थी। सजनी का पति विशाल अपने ससुर के साथ दिल्ली में हलवाई गिरी का कार्य करता है, जबकि विकास फिरोजाबाद में हलवाई गिरी का कार्य करता है। काफी दिनों बाद से वह घर न लौटने पर सजनी और अपने पति विशाल से नाराज थी। उसने विशाल को मोबाइल पर धमकी दी, ये यदि वह घर वापस नहीं लौटा तो वह आत्महत्या कर लेगी, लेकिन विशाल ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया और वह नहीं आया। इसी बात से क्षुब्ध होकर सजनी ने अपनी ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे ससुराली जनों की पैरों तले जमीन खिसक गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां पति विशाल और गांव के प्रधान ने जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपचंद है, और प्रधान दीपचंद है। कहां के रहने वाले हैं? ये हसनपुर गोठा पड़ता है बलदेव में। क्या घटना हुई है पूरी? ये घटना ये है कि हम लोगों को जब पता चला तो इसका बताया गया कि ये फांसी लगा दी है। हमने पूछा कि भाई यहाँ कैसे फांसी लगाई, यहाँ कौन कौन था, गेट बंद था या वो था कि गेट बंद था। फिर जब जोश में आके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिंदी हो, तो उसके लोगों ने जोश के हिसाब से उस दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर देखा तो वो लटकी। कब की घटना है ये? कल 12 बजे की लगभग घटना है। दिन की? इसके सास ससुर जो है वहाँ नहीं थे, वो जो है मजदूरी का कार्य करते हैं, किसी का बाजरा काट रहे थे। और ये दोनों भाई हैं, एक अपनी ससुराल गया था अपनी पत्नी को लेके, ये दोनों बहन हैं, और एक भाई जो है दिल्ली काम करता है अपने साले के साथ में। ये दोनों भाइयों में से कोई घर पर नहीं था। एक इसका बड़ा भाई है, वो अपना 1 किलोमीटर दूर, एक जो उसका मकान अलग है, वो वहाँ रह रहा था। तो ये घटना है। अच्छा, ये इनके पति का नाम क्या है? पति का नाम है विकास। तो ये पति विशाल है? विशाल। इनके पति क्या करते हैं? हलवाई का काम। हलवाई का। अच्छा, ये शादी कितने दिन पूर्व हुई थी इनकी? 3 साल, लगभग 3 साल। बच्चे कितने हैं इनपे? एक भी नहीं। अच्छा, और ये आपको सूचना किसने दी फांसी लगाने की? फांसी लगा चुकी? मेरे को ये तो काम। अच्छा, हाँ, ये सूचना गांव से ही जिस लड़के को सूचना दी गई कि ऐसे ऐसे कांड हो गया है, जब ये लड़के वहाँ से आए हैं दिल्ली से। सब तो थानी में? हाँ जी, नहीं, हमने सूचना की थी। जब हमें ये मालूम पड़ा कि ये कांड हो गया है, तो मैंने कहा भाई पुलिस को कोई सूचना मिली तो दई कि नहीं था, तो मैंने कि हाँ जी हाँ, तो फिर हमने कहा कि भाई पुलिस को सूचना दो। विशाल। विशाल कहाँ के रहने वाले? हसनपुर गए। हसनपुर कोटा? हसनपुर कोटा, ये पता है दाऊ जी के पास, बलदेव। दाऊ जी के पास बलदेव? हाँ। क्या घटना हुई? घर पे साहब हमें है नहीं थे, हम दिल्ली थे, हलवे काम कर रहे थे। हमारे पास फ़ोन आया था, मैं गया था 30 तारीख को, मैं 2 दिन काम किया था, 3-4 दिन मैं घर पे आ गया। तो पत्नी का क्या नाम था? सजनी। सजनी? हाँ। उम्र कितनी होगी? उम्र है इतनी 23। 23 साल। तो आपको सूचना कैसे मिली? मेरे पास फ़ोन आया था कि ऐसी सब बात है, मैं काम कर रहा था, वहाँ काम छोड़ के फिर आना पड़ा मेरे को। काम किसके साथ करते थे? अपने सारे साहब के साथ। साले और ससुर वगैरह के साथ मिलते थे? हाँ। तो ये कहाँ के, मायका कहाँ था? बसई मोहम्मद। बसई मोहम्मद। वहाँ कितने साल पहले शादी हुई थी? मेरी 3 साल हो गई। तो अब कैसे मौत हुई? घर पर माँ बाप है नहीं थे, अकेली थी, भाई है ना था और भाभी नहीं थी, अकेली थी वे। कैसे मौत हुई है? क्या किया? फांसी लगाई। फांसी लगा लिया? हाँ। कोई घर में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था? कुछ नहीं। क्या कहेंगे? केस कौन लगा लिया? आप पूछते हैं? कोई पता नहीं, जांच का भी। तो ये दो बहनों की शादी हुई थी दोनों भाइयों के लिए? हाँ जी। दूसरा भाई क्या नाम है? विकास भाई। उसके लिए इसकी बड़ी बहन थी? हाँ।